कैसे मेरे प्यारे YouTube फैमिली, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं कोस्ट आपका दोस्त, लाया आपके लिए कोई ना टॉपिक, एक और ना वीडियो, नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, आज के सिनेरियो में कवर करने वाले हैं KTM Duke 200 की मॉडिफिकेशन, और इसमें बेस्ट मॉडिफिकेशन की गई है, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन है जिसको देखकर आप अपनी KTM में, चाहे आपके पास कोई भी KTM हो, सब पर ये मॉडिफिकेशन करा सकते हो। और गाइस, अगर आपके पास ओल्ड मॉडल है और उसके ग्राफिक वगैरह चेंज कराना चाहते हो, लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू वाली KTM के, तो वो भी करा सकते हो, क्योंकि वो भी इस वाली वीडियो में काम किया गया है, जो कि स्टार्टिंग में आपने सिनेमैटिक देख लिए थे। बाकी इसी तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल में काफ़ी सारी देखने को मिल जाती है, सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे सामने खड़ी है KTM Duke 200, और इसमें जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं ये है ओल्ड मॉडल, और इसको न्यू मॉडल बना रहे हैं, यानी कि स्टिकरिंग और ग्राफिक्स से। तो पहला जो काम किया गया वो किया गया रैपिंग करके ब्लैक कलर की ग्लॉसी में, उसके वजह से लगेंगे इसमें लेटेस्ट वाले KTM के स्टिकर्स, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जो उसके ओल्ड स्टिकर थे उसको हटाकर यहाँ पर रैपिंग करके और इसका लगा दिए हैं KTM वाले बिल्कुल लेटेस्ट वाले वर्जन के स्टिकर। और आप चाहो तो पेंट भी करा सकते हो, बट पेंट का प्रोसेस और इस प्रोसेस में फ़र्क होता है, ये कम पैसों में होता है, जल्दी हो जाता है, जो कि आपके सामने है। इसके अलावा जो और यहाँ की किट है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये इसके लेटेस्ट वाले लगाना एक बार भाई जरा, तो ये भाई लगा के दिखाएंगे और आपको दिखाता हूँ मैं आईडी के लिए कुछ इस तरीके से। देखो लुकाने वाला है ये, बिल्कुल लेटेस्ट वाले हैं ग्राफिक, ये लेटेस्ट वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगेंगे और कंप्लीट होने का बड़ा जबरदस्त लुक आएगा। उसके अलावा यहाँ पर एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर्स लगाए गए हैं, ये देख सकते हो आप। HJG के ट्यूब फीचर आई, जो कि काफ़ी हाई इसका फोकस है, और बरसातों में और सर्दियों में कोहरे में, मतलब जिस तरीके से इसका फोकस है ना, बहुत यूज़फुल है, एक्सीडेंट के काफ़ी कम चांसेस जाते हैं अगर आप येलो लाइट जला के चलते हो तो। इसके अलावा यहाँ पर वाइजर भी लगाया गया, जैसे कि आप देख सकते हो, रूट्स के हॉर्न हैं, फ्रेम स्लाइडर भी है, और छोटी मोटी एक्सेसरीज लगाई। अगर पीछे से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल वाली टेल टाइडी देखने को मिल जाती है, एग्जॉस्ट SC वाला विद बैंड पाइप के साथ, क्योंकि आपको पता है इसका जो एग्जॉस्ट आता है वो आता है अंडर वैली, तो इसको हटाकर यहाँ पर विद बैंड पाइप के साथ लगा दिया गया, जो काफ़ी बेहतरीन सा लुक दे रहा है। तो करते हैं कंप्लीट और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल पर, सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड। कंडीशन आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से है, थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि आपको पता है बरसात वगैरह चल रही है, तो ये तो लाजमी है ही, बाकी कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट KTM Duke 200 की, और जो ग्राफिक्स का वर्क था वो हो चुका है कंप्लीट। बस छोटा सा टैंक पर लगाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो, और दिखाता हूँ आपको ये ग्राफिक कैसे लगाएगा। ये आप देख सकते हो गाइस, ये ग्राफिक है, ये वाटरप्रूफ है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल वाले ग्राफिक लगाया गया, यानी कि स्टिकरिंग का जो वर्क किया गया ये ओरिजिनल वाले हैं, सेम टू सेम, और लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देख सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ लगा रखा है, और यहाँ पर भी इसका जो है ओरिजिनल वाले स्टिकरिंग ग्राफिक्स लगा रखे हैं, और लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से देख सकते हो आप। अगर मैं टैंक पे से आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है, और इस एंगल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो गाइस, तो ये बिल्कुल अब ब्रांड न्यू लग रही है यहाँ से अगर आप देखोगे तो। और बात करते हैं वाइजर, वाइजर भी यहाँ पर लगा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी बेस्ट लुक देता है। हैंड गार्ड पहले से ही लगे हुए थे इसमें, ये देख सकते हो आप, जो KTM वाले हैं, और कुछ काफ़ी ज़्यादा एक अलग लेवल का लुक यहाँ पर आ रहा है। बात करते हैं फॉग लाइट की, तो ये फॉग लाइट जो है ये HJG के हैं 2 फीचर आई, जिसमें आपको येलो और वाइट मिलता है, और यहाँ पर लगा रखा है फॉग लाइट का स्विच, ये एक स्विच दोनों लाइटों को कंट्रोल करेगा, येलो भी जलाएगा और ये वाइट भी जलाएगा। तो ये देखो गाइस, ये देख सकते हो, तो ये फॉग लाइट का फोकस और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा अंधेरे में ले जाकर इसको दिखाऊंगा, इसका फोकस आपको आइडिया के लिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये कितनी कामयाब है। और ग्राफिक के अलावा यहाँ पर टैंक पैड भी लगाया गया है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है यहाँ से भी। सीट भी इसकी टूरिंग वाली लगा रखी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, इससे देख सकते हो आप। ये है फ्रेम स्लाइडर, जिससे इनकेस कहीं बाइक गिर जाता है तो आपका जो है टैंक, आपके इंजन वगैरह ऑल ओवर रहता है प्रोटेक्ट, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे देता है ये भी। यहाँ पर रूट्स के हॉर्न लगा रखे हैं, जो कि साउंड सुनाऊंगा आपको लास्ट में, और कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। बैक साइड से आप देख सकते हो, यहाँ पर जो टेल टाइडी लगाई गई थी वो थी एडजस्टेबल, प्लस इसमें लाइट भी होती है ताकि नंबर प्लेट शो, और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है यहाँ से आप देख सकते हो। और इसको लगाने के लिए गाइस एक ही ऑप्शन था, इसकी कटिंग करके, और कटिंग करके लगा दिया है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा और काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ रहा है, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से देखो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो। और साथ ही में लगाया गया है इसमें हैजार्ड, जिसके पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए गाइस आप इस स्विच को लेफ्ट राइट पीछे पता जितनी बार करोगे उतनी बार इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे।
सो गाइस ये देख सकते हो, तो पैटर्न तो ही वर्क करेंगे जितनी बार आप उसको करोगे लेफ्ट राइट पीछे उतनी बार पैटर्न चेंज हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। बात करता हूं मैं एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट लगाया गया है स्टील फिनिश के साथ एससी प्रोजेक्ट मोटर जीपी का, और यहां पर आप देख सकते हो। सो गाइस एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया गया विद बैंड पाइप के साथ, जो कि आप देख सकते हो इसकी फिटिंग प्रॉपर यहां से आ रही है। अब रहेगा इसका साउंड और इसका साउंड कैसा है, तो सुनाता हूं मैं आपको साउंड। सो गाइस पहले मैं सुनाता हूं रूट्स का साउंड, तो ये तो हो गया रूट्स। अब सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड, ये है हैंडल पर यानी बाइक स्टार्ट पर। साउंड इसका बहुत ज्यादा वैसे ही तेज है, एसी पीरियड का आपको पता ही है, बाकी दुकान के अंदर और ज्यादा तेज साउंड आ रहा है इसका। तो ये देखो एडजस्टेबल वाले क्लच एंड लीवर जो कि यहाँ से ही फोल्ड हो जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं लूज करके, यहाँ से आप अपनी फिंगर की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको स्विच कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मेटल में ब्लैक कलर के लिए गए, आप चाहो तो कोई और कलर का भी ले सकते हो गाइस, तो ये देख सकते हो। तो बाकी सारी मॉडिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर ही दी है। इसमें से रेडिएटर गार्ड लगाया जा रहा है लास्ट में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जो काफी अच्छा लुक दे देता है। देखने के बाद आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये प्राइसिंग वगैरह क्या है, तो गाइस प्राइसिंग के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकालना है, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर आप बात कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके प्राइस पता कर सकते हो। दिल्ली के रहने वाले हो तो करोल बाग नए वाला मार्केट में आ सकते हो हमारी शॉप पर, जो कि एसकेडी के नाम से आपको मिल जाएगी। अपनी दो शॉपें हैं, किसी में भी आप आ जाओ और जहाँ पर आप काम कराना चाहो वहाँ पर आप काम करा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिले तो आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।